हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो एक्वेरियम के बारे में होने वाला है, और मुझे एक्वेरियम रखना बहुत पसंद है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अमेज़ॉन से ग्रास सीड मंगाया था और उसे मैंने कैसे प्रोपोगेट किया है अपने एक्वेरियम में। तो अगर आप ये ग्रास सीड अपने एक्वेरियम में लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आपके पास एक्वेरियम है, फिशेज़ हैं, तो आपको उनको शिफ्ट करना पड़ेगा किसी बाउल में। और आपको उसके लिए ये सैंड चाहिए, जो कि एक्वेरियम के लिए ही सैंड आती है। बहुत सारी तरह की सैंड आती है, आप अपने एक्वेरियम पेट स्टोर पे जाके चेक कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन भी मिल जाती है। आप चाहे तो अपने गार्डन सॉइल से भी इसे बना सकते हैं, बट जो मार्केट में मिलती है मैं उसी से बना रही हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी सैंड पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं प्लांटेड टैंक ही यूज़ करती हूँ, तो इसी में मैं ग्रास उगाने वाली हूँ। और इसको मैंने वेट कर लिया है और सीड्स डाल दिए हैं, और अभी मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको एक प्लास्टिक रैप से इसको कवर कर दूंगी। ये प्लास्टिक रैप है, और जो फ्रेश रैप होता है उससे मैं इसको कवर कर दूंगी, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी फॉर अबाउट 1 वीक। तो अबाउट 5 to 6 days बाद आपको ये स्प्राउट्स दिखने लगेंगे, और जो एक एक दिन में आपको काफ़ी डिफरेंस दिखने लगेगा। जैसे 8 day का ये डिफरेंस है, आप 15 days पे देखोगे तो पूरा लश ग्रीन हो जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। पर मैंने ऑलमोस्ट 10 days पे मैंने वाटर ऐड कर दिया था। आप चाहो तो पूरा वेट कर सकते हो, पूरा कार्पेट आने का वेट कर सकते हो, पर मैंने वाटर ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे अपनी फिशेस को इसमें ट्रांसफ़र करना था। ये ग्रास जो है ये प्रोपोगेशन में बहुत इजी है, और एक्चुअली इट्स वर्किंग। सारे स्प्राउट्स निकल के आ जाते हैं, एकदम लश ग्रीन कार्पेट बन के आता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये प्लांट्स इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि ये जड़ों से निकल के ऊपर पानी में तैरने लग जाते हैं कुछ दिन पे। अगर आपके पास क्लीनिंग फिशेज़ हैं तो वो डेफिनेटली इसको निकाल देती हैं, बट अगर आपके पास क्लीनिंग फिशेज़ नहीं हैं, आप पानी रेगुलर चेंज करते हो, तो डेफिनेटली आप इसको अपने एक्वेरियम में लगा सकते हो। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके ख़रीद सकते हैं, पर्टिकुलरली इसी ग्रास सीड का। फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको ये लगाना है कि नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।